ये देखिए अपनी मामी का पता करने आया है, बस यहाँ पर नेटफ्लिक्स लगा के और मूवी देख रही है। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। हमने पानी लेने आए थे, पानी लिया है हमने, और इधर ने वॉशरूम जाना है। यहाँ पर बारी राइस बना रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर सारे बैठ के जूस पार्टी कर रहे हैं और बिलाल भाई भी जूस पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुबह सुबह उठ गई, मैंने सबर को खाना दी, खुद भी खाना खाई, इसके बाद मैं घर के कामों में चली गई। फिर मैंने सबसे पहले अपने कंबल उठाई, उसको मैंने तय की अच्छे तरीके से, लेकिन कंबल मेरे से तय नहीं हो पाई थी। फिर मैंने अशरफ को बुलाया, उसने मेरी मदद की और फिर हमने मिलकर कंबल तय की। उसके बाद मैंने सारे काम किए, फिर मैंने बेड को ठीक किया। बेड की चादर तो रोजाना मैं ठीक आ देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने बेड को ठीक करने के बाद पानी की बोतलें उठाई, टॉवल उठाया और फिर मैंने अलमारी से कपड़े निकाल के नहाने चली गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब फाइन होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल फाइन हैं। मैं यहाँ पर बैठ के ब्लॉग्स देख रहा हूँ, आप लोग सर डक्की भाई को देखते हैं, मैं डक्की भाई के भाई को देखता हूँ जो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है। हम फिर से हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे बेबीज जो है वो उनको दे दिया जाएगा, तो हम उनको घर ले आएंगे, तो हमने कहा उनको खुद रिसीव करने जाएंगे, इसलिए हमने उनके लिए थोड़ा सा खाना वगैरह बनवा दिया। मैंने कहा चलो हॉस्पिटल रह रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उनका खाना बनवाए थे। यहाँ पर बारी राइस बना रहा है, तो उसके लिए हम ना ये अब तुम कर तो अभी वो राइस तैयार कर रहा है, वो तैयार होते हैं तो फिर हम खाना लेके जाएंगे। ओके, मैंने कहा मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी मैंने शर्ट भी चेंज कर ली। One hour later. So guys, अभी हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं सब। अभी मैं वहाँ से दूसरे घर से बच्चों को भी ले लूंगा जिससे जाना हुआ, तो खाना मैंने सारा गाड़ी में रख लिया और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। वाह जी, लेकिन अभी कोई काम नहीं है, चले जाएंगे। हमने पानी लेने आए थे, पानी लिया है हमने, और इधर ने वॉशरूम जाना है जिसकी वजह से वो ऐसे हरकतें कर रहा है। पर मैंने सुखाया कि हम अभी रूम में चले जाएंगे, तुम खो देना रूम से। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे रहना है। चलो तो गाइस ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे कैंटीन ले जा, मैं कुछ चीज़ लेनी है, मैं बिस्कुट लेके कैंटीन जा रहा हूँ, है ना। हाँ, नो दरवाजे के पास नहीं खड़े होते, इट्स वेरी डेंजरियस यू नो। तो गाइस इसने बहनों को इतना जलील किया हुआ, मैंने अपनी दोनों बहनों को। ये देखिए अपनी मामी का पता करने आया है, बस यहाँ पर नेटफ्लिक्स लगा के और मूवी देख रही है। किस कैसे लोग हैं ना आजकल के, और इसके नाइन्थ के पेपर होने हैं और इसको शर्म हया ही नहीं है। इन तैयार होकर आया ना नानी दी मामी दी फेयरवेल पार्टी का आया माशाल्लाह, है ना फातिमा। इसको देखो कहो शर्म ही नहीं आती ना, शर्म ही नहीं आती। तो गाइस बारिश होने के बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वैसे मैं पंखे के आगे खड़ा हुआ हूँ और थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कर रहा हूँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं कुनैन टीके लगवाने, ड्रॉप्स डलवाने। किसके ड्रॉप्स? पोलियो ड्रॉप्स। ये लग तो बड़ी रही है पर ये है अभी 4 साल की बूजो। तो गाइस यहाँ पर सारे बैठ के जूस पार्टी कर रहे हैं और बिलाल भाई भी जूस पी रहे हैं और इज़र ने हॉट चॉकलेट पी है और ये अपने केक फातिमा ने खा के गंद फेंका है। और फातिमा आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही है जब से इसको पता चला है ना। एक तभी ये ज्यादा नहीं देख। डॉक्टर ने दिया है ना बेबी के लिए गिफ्ट बना के। हाँ तो गाइस मैं तो फाइनली अपने घर आ चुका हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और अभी बहुत ज़्यादा उनको टाइम था, तो मैं अपने घर आ चुका हूँ। तकरीबन 11 बज चुके हैं, मैं यहाँ पर बैठ के पॉडकास्ट देख रहा हूँ और अभी वो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो मैं उनके घर अभी जाऊँगा और फिर देखते हैं, फिर बेबी को घर में वेलकम करते हैं। पर अभी मैं आ चुका हूँ, मैंने खाना वगैरह खा लिया है, लेकिन उनको आने में भी थोड़ा सा टाइम है। गाइस मैं तो अभी नहीं जा रहा उधर क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और इंशाल्लाह मैं सुबह ही अब जाऊंगा और फिर आपको अगले ब्लॉग किसी में दिखाऊंगा कि घर पहुंच गए हैं वो। लेकिन मुझे न्यूज़ आ गई कि वो पहुंच गए हैं, लेकिन अब मेरे में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहाँ जाऊँ। तो इसलिए गाइस ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।